जी बनामे पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, डॉक्टर नबीला साहिबा ने बात की सूफिया की, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर हाइंस साहब, हमारे यहाँ आपने तो बर्रे सगीर को स्टडी किया, ये जो सूफिया हैं ये कितनी बड़ी नेमत हैं दुनिया के लिए, और हमारे यहाँ इनका जो कल्चर था सूफिया का, जो तालीमात थी इनकी, इनको एक्सपोर्ट करने की कितनी ज़रूरत है वेस्ट तक, इनका पैगाम किस तरह हम मार्केट करें। मैं ये नहीं मानता कि इस तरह का सूफियाना की सूफियाना सोच एक एक्सपोर्ट आर्टिकल बन सकती है। वो एक्सपोर्ट करने का मतलब ये बाजार, पता तो चले कि हमारे यहाँ इतने पुरामल लोग, ये बाजार की जुबान में नहीं मानता। उल्टी बात ये है कि जिसके अंदर में एक रूहानी सोच है और एक खोज भी है, वो अपने आप से यहाँ पहुँचेगा। मैं ये मानता हूँ, और वो हमको वही रास्ता, हमको इन लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं ना। यहाँ बहुत कुछ है उसके अंदर में, ना सिर्फ बुले शाह है, वाजिर शाह है, पर नानक भी है, और उसी किस्म के दूसरे लोग भी हैं, और इस तरह के बहुत लोग यहाँ हैं जो इस तरह की खोज में हमसे आगे हैं, एक तरह से जो हमसे आगे हैं, जिनके पीछे हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अपने मजहब को बदलनी है उसके साथ, वो दूसरे वो दूसरा मामला है। तसव्वुफ और सूफीज्म ये तो हर मजहब में है, बिल्कुल हर मजहब ये हमको देखना है। जैसे यूरोप में वो इसको कहते एक वो जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो अब बन रहा है यूरोप में, और इस जिसके अंदर में इस्लाम के लिए भी एक हिस्सा है और ज़रूरी भी है, और इस्लाम एक यूरो इस्लाम जिसको कहते हैं अभी बनता जा रहा है, उस तरह से यहाँ इस तरह हम 1000 साल से या उससे अगर हम बुद्धिज़्म को देखें, उससे और भी लंबे अरसे से यहाँ का जो समाज है उसके अंदर में वो ही इस तरह के इन लोगों ने महसूस किया कि हम मुख्तलिफ मजहबों के लोग हमारे साथ रहे हैं, और सब लोगों की दावत होती थी पीर फकीरों की वजह से। ये हमको देखने, यहाँ से हम वेस्ट में मग़रिबी मुल्कों में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कम से कम। आपका ये तारफ इन सूफिया से कब और कैसे हुआ, ये क्या कहानी? ये मेरा भी एक लंबा रास्ता है जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, अभी काफ़ी उम्र में पहुँच रहा हूँ। जब मैं 15-16 साल का लड़का था, उस वक्त मैंने एक जर्मन नावल पढ़ा, हेमन हेसे सिद्धार्थ के नाम से, वो उस वक्त मेरा दिमाग खुल गया। खुदा के बारे में था वो, एक हाँ उनकी जो इमेजिनेशन है उस पर, वो हाँ थोड़ा सा वो फिक्शनल है, वो फिक्शनल है, पर नोबेल प्राइज भी मिला उसको, और उससे वो सब शुरू हुआ। फिर मैं मुझको पता चला एक तरह से कि मशरक़ी ज़ुबानें हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ी जा सकती हैं, और मैंने बहुत ज़िद्दी की और उसकी पढ़ाई की। वैसे मेरी अम्मा उस वक्त उसके ख़िलाफ़ थी, और जैसे मैंने कहा ज़िद्दी की, अब अल्लाह का शुक्र मेरी अम्मा खैरियत से हैं, काफ़ी बुरी उम्र में है, पर अब ये कहते हैं बेटा तुमने ठीक किया, तुमको ज़िद्दी करनी थी मेरे ख़िलाफ़ भी, तुमको ये करना था। और हमारे बहुत अच्छा रिश्ता है आजकल, ये उस पर मुझे बहुत खुशी ये है। सूफिया के बारे में पंजाबी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है हमारे यहाँ, ये सूफिया की तालीमात को आपने ये बड़ा स्टेप लिया, आगे कितना बढ़ा रही है इसको? देखिए हम तो तैयार बैठे हैं कि कोई आए और पढ़े और हम उसको पढ़ाएं, हम बताएं कि देखें ये सूफिया ही थे जो मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, रवादारी का पैगाम देते थे। ग्लोबलाइजेशन अगर पूरी दुनिया अब जो जिसकी अब बात हो रही है, वो पूरी दुनिया भर में फिरते थे, वो उस दौर की ग्लोबलाइजेशन थी कि वो पूरी दुनिया को जो है ना वो अपना इलाका समझते थे। सारे सूफिया फिरते थे और सारे दुनिया भर में लोगों से, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मिलते थे। जी कहाँ से आए, कहाँ तक, तो ये इस पे तो घंटों बोला जा सकता है, मैं बोल सकती हूँ। अगर बात आप करते हैं कि हम सूफिया के बारे में क्या करते हैं, देखिए जब आप अपनी ज़ुबान को ही ख़त्म कर देंगे, आप अपनी ज़ुबान को ही बोलने नहीं देंगे, पंजाब में पंजाबी नहीं होगी तो पंजाबी कौन पढ़ेगा। मसलन ये कि 23 साल हो गए हैं मुझे इस ज़ुबान इस डिपार्टमेंट में आए हुए, बहुत पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए तकरीबन 30 साल का अरसा, तो हमें लोग मुझे ये जुमला सुनना पड़ता है कि तुसी पंजाबी दे प्रोफेसर हो। अच्छा तो अब आप मतलब ये देखिए कि हम जो है, और मज़े की बात यह है कि ये वो लोग कह रहे होते हैं
जिनके अपने बच्चे जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं या जब वो घर से भागते हैं और फिर उनको सुकून मिलता है, वो लकी जाड़ा मैं कौन, ये वो तबका होता है और वो उस तबके की फैलाई हुई सोच होती है। हम बैठे हैं आंखें बिछा के, भला हो कुछ लोग बच्चे अभी भी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, हम तैयार बैठे हैं कि आएं पढ़ें। और इसको चूंकि हर चीज़ को जो है वो मईशत से जुड़ी हुई है, इलम जानने या पढ़ने का रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस अभी ऐसे हैं जो वापस, कहते हैं ना वो खलील जिब्रान ने कहा था कि हर चीज़ जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो इब्तदा को लौटती है। तो वो अब जो है ना शायद अरूज व जवाल सोच का भी अब इस तरफ को आ रहा है कि नहीं, अपनी ज़ुबानों की तरफ जो है वो वापस लौटना है, क्योंकि बात सिर्फ ज़ुबान की नहीं है, बात तो उस सोच की है। अब आप अगर ये ख्याल करते हैं कि हमने अमन से रहना है, हमने एक अपना अच्छा चेहरा दिखाना है बाहर, हम एक अच्छी तहजीब वाले लोग हैं और हम बड़े ज़र्फ़ वाले लोग हैं, और जो हमारी रियासत ने दुनिया भर में इसकी एक मिसाल कायम की कि हम बहुत ज़र्फ़ वाले लोग हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, अगर हम ये कहते हैं कि यूसुफिया की धरती है तो हम वो जिगरा भी रखते हैं, हमारे अंदर वो ज़र्फ़ भी है, हौसला भी है कि हम अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो अरे अरे डॉक्टर नबीला फरमा रही हैं कि हमारे यहाँ ये हौसला भी है, जिगरा भी है, ये हमारे यहाँ अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है। मेरे ये सवाल मुझे भी बड़ा तंग करता है कि इल्ज़ाम हम पे लगता है इंतहा पसंदी का, दहशतगर्दी का, अदम बर्दाश्त का। दुनिया में जहाँ बड़े बड़े मजालम हुए हैं वो किए अमेरिका ने, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो कहाँ पे हो। हमारे यहाँ यहाँ पे शायद ही कभी किसी ने सुना होगा कि किसी ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तोहीन की हो, या किसी मज़हब के दूसरे जो सरकर्दा लोग हैं उनकी तोहीन की हो। ये तोहीन के वाकयात भी वेस्ट में होते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि आप इश्तियाल में आते हैं। आपका क्या इस पे विजन है? आपने तो ये सब कुछ देखा हुआ है, सारा मोरद इल्ज़ाम हमें क्यों ठहराया जाता है? एक बात मैं भी मानने के लिए मंजूर हूँ कि वो ना सिर्फ ज़ुबान का सवाल है, ज़ुबान के साथ बहुत कुछ अपने आप से आ जाती है, वो सोच का सवाल है ना जी। जब हम इल्म हासिल क्यों करते हैं ना, एक बात ये है, ठीक है जॉब मिलनी चाहिए, अपना ख़ानदान शुरू करना चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो भी ठीक है, इसके खिलाफ अंग्रेज़ी के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ जैसे मैंने पहले से कहा था, पर हमको हमेशा देखना चाहिए वो आखिर में हमारे इल्म किसके लिए है ना। जब हम उसके साथ अपने बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल न करें तो फिर सारा इल्म एक तरह से बेकार लगता है मुझको। वो पीर फकीरों की बात भी है ना, जो भी ठीक है जॉब वो ज़रूर, जैसे मैंने कहा था, ज़रूरी भी है, सेल्फ को भी जानना, हाँ अपने इनर सेल्फ भी जानना चाहिए, वो शनाख्त का सवाल उसके साथ आता है, शनाख्त बिल्कुल वो, और उसके साथ वो जो ज़ुबान का सवाल आता है, उसके बाद बहुत कुछ है, और वो सोच का मामला है। हमारी दुनिया बहुत, वो हमारी वेस्ट में भी, वो के बारे में भी ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की के बारे में सोचते हैं। मैं जानता हूँ तरक्की अपने आप में, पर तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की का मतलब ये ना सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा सहूलियत मिल जाए हमको, कि हम किसी दूसरे मुल्क में बस जाएँ। सचमुच बात तो ये है कि हम क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी मौत के बाद क्या होगी, और आखिर में देखिए अफ्रीका में कितने लोग बीमार हैं, इनको तालीम नहीं मिलता, इनके पास पैसे कुछ भी नहीं है, इनके लिए इसकी ज़िम्मेदारी भी हमको थोड़ा सा अपनानी चाहिए। ना सिर्फ हम हैं पाकिस्तान में या यूरोप में, अफ्रीका को भी देखनी चाहिए इस तरह की चीज़। अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमको पूरी इंसानियत को देखनी चाहिए, और वो हम कभी भूल जाते हैं ना। आखिर में जानकारी और इल्म किसके बारे में, किस क्यों करते हैं ये हम सब कुछ? आखिर में हमको सब मरना है, कब्र तक, एक दिन हम कब्र में होंगे, इसमें हम ये सब हम जानते हैं ना, एकदम सब ख़त्म होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो बहुत है, बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि हम इंसानियती तौर पर एक हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जारी रख सकता है, और किसी तरह से आजकल जो मसाइल जो है, जो चुनौतियां हैं इस दुनिया में, हम वही सब मिलाकर और एक दूसरे को समझकर शायद हल कर सकते हैं, वो अभी तक मैं मानता हूँ। अच्छा
जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहती थी इस डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस सारी बात का सूफिया जो थे ना वो इख्तसार पसंद भी थे, मतलब बोलते कम थे पर मतलब एक वन लाइन उनका एक ही बात कि कुल दा भला ते कुल दी खैर, ते कोई माड़ा नहीं ते कोई जड़ा नहीं। माड़े दी ओ बहुती जड़ा ना उन्हां दे बहुते हुंदे सन, ते बंदा जद तिकर अपने आप नूं अंदरों माड़ा ना ना समझे उन्नी देर ते वड्डा ते नहीं हो सकता। तो वो यही पैगाम दिया करते थे कि भाई कुल कुल का सोचो। अपनी दुनिया भर में पंजाबी जानने सुनने वालों को भी कोई पैगाम देना चाह रही थी, वो भी दें ताकि मैं डॉक्टर साहब पे एंड करूं इसको। जी बिल्कुल, तो वो मुझे इजाजत दे तो मैं पंजाबी विच ही बोल रहा हूँ। पंजाबी जी, मेरे दुनिया भर के पंजाबियों वास्ते एक पैगाम है कि जी मैं जिमें पहले गल की थी कि बाबा गुरु नानक जी का साढ़े उपर एक एहसान सी कि उन्होंने बाबा फरीद गन शकर का जड़ा सुनिया सी जो पै वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच उन्होंने कलाम सांभिया। असी एहसान ला नहीं सकते, असी शुकराना अदा कर सकते सा। सो असी शोभा पंजाबी दी 116 साल तारीख दे विच पहली वारी बाबा गुरु नानक जी दे उते सैमीनार कराया। सानू तुहाडी असी कोई एहसान नहीं किया, असी एक शुकराना अदा करन दी कोशिश की है, ये शुकराना तुसी साडा कबूल करो और सानू इहदे विच जिहड़ी है तुहाडी लोड़ होएगी तुहाडे सुनेहे दी, तुहाडी साडी जिहड़ी इलमी अदबी जिहड़ियां शख्सियात ने उन्हां दी, ताकि असी हुण अगों और जिहड़ी ज़्यादा इहदे विच चंगी गल होवे कि साडे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद दे भी आफते साडे जिहड़े डीन साहब ने डॉक्टर असलीम अज़हर साहब उन्होंने बाबा गुरु नानक चेयर जिहड़ी है वो कायम कर दिती है, वह ऐलान कर दिता है उस सैमीनार के उत्ते। तो असी हुण यकीनन बाबा जी के उत्ते अगू काम भी करावांगे। पंजाबी बोलन सुन समझण वाले लोग कंपलैक्स नहीं महसूस करेंगे? नहीं जी बिल्कुल, देखो असी जिवें दूजिया कौमां ते लोग जिहड़ा ना नहीं कर अपने महसूस नहीं करते, असी तो इन्ने अमीर हाँ अपनी मतलब पंजाबी बोलने वाले कि सब तो बहुते सूफी साढ़े कोल ने। सानू तो उन्होंने जुबान दिती सी, कादे ते जिहड़ा वह अपने आप नूं कमज़ोर समझिए या अपने मतलब है कि एहसासे कमतरी दे विच मुबतला होइए। गल उच्ची हुंदी है, गल वड्डी हुंदी है, गल तो सारे नालों वड्डी जिहड़ी उह साढ़े बाबे कर गए, तो फिर सानू खबरे कादा कॉम्पलैक्स है। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे बाबों को भी मिले, बुजुर्गों के मज़ारों पे भी गए, बाज़ारों में भी गए, यूनिवर्सिटीज़ में भी गए और आते जाते रहते हैं आप, क्या यहाँ का हुसन क्या नज़र आया आपको, ब्यूटी क्या है यहाँ पर? एक बात यह है कि बहुत लंबी एक तारीख है जिसके अंदर में बहुत कुछ हुई थी, वो मैं देखता हूँ इन मोहनजोदारो से लेकर बुद्धिज़्म तक जाके, फिर सुल्तानात, इसके बाद मुगल और भी आगे जाके, फिर कॉलोनियल, फिर पाकिस्तान। ये एक बात है, वो मेरे ख्याल से वो अगर हम यूरोप को देखते हैं और यहाँ हम ये हम एक जैसे, अमेरिका थोड़ा सा अलग है, उसमें सिर्फ 300 साल है 400 साल है शायद, उससे ज़्यादा नहीं अमेरिका में है ना, ये एक फ़र्क है ना अमेरिका और हमारे बीच और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, वो एक बात ये है। दूसरी बात ये है हमारे यहाँ जब मैं जा कहता हूँ लोगों से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं मेरी तरफ, अच्छा वो खतरनाक तो नहीं है? तो मैं हमेशा समझाता हूँ मेहमान नवाजी बहुत है, सकाफत बहुत है, ये भी देखनी है ना। ठीक है वो दहशतगर्दी, मैं ये नहीं कहूँगा कि दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं है, है कुछ हद तक है, पर अगर हम पाकिस्तान आज देखते हैं और 10 साल पहले तो आज तो काफ़ी आगे बढ़ा उससे, तो मुझको उम्मीद है इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और इस तरह से हमारा रابطہ भी बनता रहेगा। उम्मीद है आप हमारी दावतें कबूल करते रहेंगे और आप भी पाकिस्तान आते रहेंगे, लाहौर देखते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, बार बार आने को दिल करता है आपका? हाँ अजीब ढंग से इधर आने को मन लगता है, मुझको दिल लगता है, लगता है बाबों के साथ दोस्ती होगी आपकी। बहुत अभी मियां हजरत मियां मीर की दरगाह से होकर आए हैं डॉक्टर साहब। वाह, इसमें टैक्सला भी गए, बाबा वारसिया भी गए, बाबा गुरु नानक के पास भी, बाबा फरीद भी गए थे इस समय? बाबा फरीद अभी तक मिलने का मौका नहीं था, अगली बार जाता रहूंगा इंशाल्लाह। दोबारा आप तशरीफ लाएंगे तो बाबा फरीद भी चलेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने कीमती टाइम दिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर हाइंस जैसी अजीम शख्सियात से हमारी मुलाकात कराई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, मेरा ख्याल है किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर हाइंस की गुफ्तगू और डॉक्टर नबीला रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी, उसमें बड़े पैगाम पोशीदा हैं। दुनिया में
अमन के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो सूफिया जो फैसिनेट करते हैं डॉक्टर हाइंस जैसे लोगों को भी यहाँ आने के लिए, यहाँ अट्रैक्शन पैदा करते हैं, उन सूफिया की तालीमात पर अमल करके दुनिया को ना सिर्फ अमन का मैसेज दिया जा सकता है बल्कि अमन की राह दिखाई जा सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।